सो हे गाइस एंड कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है वैभव एंड वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है द रियल जंक्शन 6.3। तो जैसा कि आपको पता है फुलेरा जोधपुर रोड पे इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्ट हो ही चुका है एंड डबलिंग भी आधी से ज़्यादा हो ही चुकी है। तो अगर आप लोग बोलोगे इलेक्ट्रिफिकेशन के अपडेट्स के लिए, क्योंकि चैनल पर मेनली तो इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट ही आई है आज तक, डबलिंग की कम, तो अगर आप बोलोगे तो मैं महीने में 2 भी ला सकता हूँ। एंड अगर आप और भी ज़्यादा बोलोगे तो मतलब आपको महीने में 3 अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। तो जैसा आप बोलोगे वैसा, लेकिन बस मेरे को वीडियो पे लाइक चाहिए, लाइक कर दिया करो एंड जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करो। अप्रैल के मिड तक मेरा एम है 4000 सब्सक्राइबर करने का, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। तो लास्ट पार्ट में हमने ख़त्म किया था कुचामन सिटी पे, एंड कुचामन सिटी के प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फाउंडेशन बन चुके हैं। और अभी जो दूसरा वाला नया वाला प्लेटफॉर्म है जो कि अभी फ़िलहाल ही नया बनाया हुआ है, पिछली वाली अपडेट्स में हमने देखा था कि वो प्लेटफॉर्म का अभी काम चल ही रहा था, तो उस पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है जो चल रहा है, चैम्बर बनाने का जो काम है वो चल रहा है। एंड बाकी प्लेटफॉर्म के भी खुद के कुछ लास्ट फिनिशिंग टचेस भी चल रहे हैं। एंड बाकी मैं आपको एक वीडियो बना के बता ही चुका हूँ कि अभी 15 तारीख को CRS है कुचामन से बोरावर की डबलिंग का, एंड कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी क्योंकि नॉन इंटरलॉकिंग का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो आगे अब आप इस वीडियो में थोड़ी देर तक वही देखने वाले हैं कि नॉन इंटरलॉकिंग का काम क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या किया जा रहा है, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो में आगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो जो नया वाला प्लेटफॉर्म बना था उसकी जो पटरी बिछाई जाएगी उसके लिए स्लीपर्स बिछाए जा रहे हैं, स्लीपर्स डाले जा रहे हैं। और आजकल की जो भी मैं अपडेट्स दे रहा हूँ उसमें वीडियो की स्पीड मैं खुद में खुद चेंज कर देता हूँ ताकि आपके भी टाइम बचे एंड अपडेट भी आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अभी आप देख सकते हो जो नई वाली पटरी है उसको यहाँ पे इस पटरी में मिलाया जाएगा, तो उसके लिए जो है बैलेस्ट की लेयर बिछा दी गई है। एंड ये रहा उसका जो स्विच होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है स्विच को पटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। एंड यहाँ भी कुछ ना कुछ स्विच वगैरह का ही काम चल रहा है। तो ये सब होता है इंटरलॉकिंग का काम, मतलब ट्रैक्स को एक ट्रैक से दूसरी में जोड़ना, स्विच वगैरह जोड़ना, यही सारा होता है। और उसके बाद आप देखो यहाँ पे डबलिंग वाली ट्रैक, नई वाली ट्रैक आ चुकी है जिस पे अभी जो है बैलास्ट की लेयर बिछाने का काम चल रहा है ढंग से, JCB वगैरह से। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे बोला था एंड एक बार वापस बोल दूँ, अभी मैं ट्रेन की लेफ्ट साइड हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ डबलिंग, और ट्रेन की राइट साइड हो रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब फाउंडेशन बनाने का काम। तो जब इस रूट की डबलिंग हो जाएगी तभी मैं आपको इलेक्ट्रिफिकेशन की ढंग से अपडेट दे सकता हूँ दोनों पटरियों की। फिलहाल केवल पुरानी वाली पटरी पे ही फाउंडेशन बनाए जा रहे हैं, चिंता मत करो, केवल सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफाइड नहीं होएगी, दोनों लाइन एक साथ इलेक्ट्रिफाइड होएंगी। तो अभी टाइम लगने वाला है, नई लाइन और पुरानी लाइन दोनों का एक साथ इलेक्ट्रिफिकेशन होएगा। तो अपडेट आपको सारी फ्यूचर में हर तरीके की मिलने वाली है। एंड एक बार वापस यहाँ दूसरी साइड देख सकते हो फाउंडेशन बनाने का जो काम है वो कम्प्लीट हो चुका है। और अब फाइनली कुचामन सिटी के बाद हो जाती है हमारी डबलिंग वाली साइड चेंज। तो अभी जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं उस ट्रैक को काट के एंड बगल वाली ट्रैक से कनेक्ट कर दिया जाएगा, एंड इसी तरह से जो है डबलिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब कुचामन सिटी की साइड से जो पुरानी ट्रैक आ रही है उसको बगल वाली नई ट्रैक से जोड़ देंगे, एंड अभी जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं उसको कुचामन सिटी की साइड जो लेफ्ट साइड नई वाली ट्रैक है उससे जोड़ देंगे। एंड फिलहाल अब इलेक्ट्रिफिकेशन हमारी दूसरी साइड चालू हो चुका है। तो यही बात है, अगर मेरे 4 हाथ होते तो मैं आपको 2 हाथ इधर से एंड 2 हाथ उस वाले गेट पे खड़े होकर दोनों अपडेट एक साथ दे सकता था। तो इसके लिए आपको बस वेट करना है थोड़ा सा, इस सेक्शन को और एक बार डबलिंग हो जाने दो। अभी 15 तारीख को CRS है, 17-18 के आसपास इस पर ट्रेन चल जाएगी, तब आपको ढंग से मिलेगी अपडेट। अब ये जो ट्रैक आ रही है ये पर्वतसार से आ रही है, इसकी ट्रैक पे जो है पोल्स भी लग चुके हैं। तो जो मकराना से पर्वतसार तक का जो रूट है उस पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफ़ी ज़ोर शोरों पर है, एंड वहाँ पे पोल्स भी लग चुके हैं एंड
फिलहाल हम बढ़ रहे हैं मकराना जंक्शन की तरफ। एंड अभी यहाँ मकराना जंक्शन के आउटर पर मेरे को किसी भी तरह का फाउंडेशन का वर्क दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी मकराना के जो इस साइड वाले प्लेटफॉर्म्स जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म के नंबर नहीं पता, जो लोग आप मकराना से हो वो लोग कमेंट करके बता देना। उन प्लेटफॉर्म्स के लिए जो लाइन यहाँ से निकलेगी, अब उनकी इंटरलॉकिंग हमारी मेल लाइन से की जाएगी जिस पे अभी हम चल रहे हैं। यहाँ पे आप स्विच वगैरह देख सकते हो, तो ये काम किया जाएगा अभी। एंड इसलिए जो है पूरा ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाता है, इन ट्रैक्स को जो है मेन वाली ट्रैक से जोड़ा जाएगा। तो अब मकराना के प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म पे अभी किसी भी तरह का फाउंडेशन का वर्क मेरे को दिखाई नहीं दिया है। एंड जो लाइन पर्वत सार से आ रही थी उसके आने के बाद जो है मकराना के आउटर में कोई भी फाउंडेशन का काम अभी नहीं किया गया है। तो अभी हम ले रहे हैं मकराना जंक्शन के डिपार्चर। एंड अभी इस साइड आप देख लो इंटरलॉकिंग का काम कितनी ज़ोरों शोरों पर किया जा रहा है। ट्रैक्स पर बैलास्ट की लेयर बिछाई जा रही है JCB की हेल्प से। एंड पूरे वर्कर्स बस लगे हुए हैं ट्रैक्स को एक दूसरे में एडजस्ट करने के लिए। एंड पूरी तैयारी हो रखी है यहाँ पे नॉन इंटरलॉकिंग के काम की। एंड अब आ चुकी है वो घड़ी जिसका सब लोगों को इंतज़ार था, स्पेशली मेरे को तो हद से ज़्यादा। तो सामने आप देख सकते हो पोल्स, तो मतलब दिल खुश हो गया ये सीन देख के। इस रोड पे भी अब पोल्स को लगाने का काम मतलब चालू हो चुका है एक तरह से। एंड अभी ये सिर्फ पोल्स है, वो नई वाली ट्रैक पे नहीं है, ओनली पुरानी वाली ट्रैक्स पे है। नई वाली ट्रैक्स पे तो अभी फाउंडेशन बनाने का काम भी बहुत कम, मतलब 100 में से 1 या 2% ही किया जा रहा है, क्योंकि अभी अभी वो ट्रैक डबलिंग हुई है, डबल्ड हुई है एंड चालू हुई है, तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन पुरानी वाली आप ट्रैक पे देख सकते हो यहाँ पे पोल्स लगाने का काम चालू हो चुका है। तो हाँ कह सकते हैं जहाँ जहाँ डबलिंग पूरी हो चुकी है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी ज़ोरों शोरों पर चल रहा है। एंड जल्दी ही नई वाली ट्रैक को भी इलेक्ट्रिफाइड किया जाएगा। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं बोरावड़ स्टेशन को। एंड बोरावड़ पे जो प्लेटफॉर्म है उस पे फाउंडेशन बनाने का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। एंड बोरावड़ के बाद वैसे दूर दूर तक पोल्स दिखाई नहीं दे रहे थे, तो सोचा आप आपको दूसरी साइड वाली दिखाता हूँ। तो दूसरी साइड वाली ट्रैक पे भी गुड न्यूज है। तो बोरावड़ के बाद मतलब ये वाला सेक्शन जो है सबसे पहले डबलिंग हुआ था, तो यहाँ पे जो है नई वाली ट्रैक पे भी फाउंडेशन बनाने का काम स्टार्ट हो चुका है।
एंड अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं बेस रोली को, एंड बेस रोली के आउटर प्लस प्लेटफॉर्म दोनों पे फाउंडेशन का काम कंप्लीट है। तो पता नहीं क्यों इसको देख के मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरता रोड से लेकर डेगना के बीच का जो सेक्शन है, इस पे ही सबसे पहले जो है डबलिंग का काम पूरा हुआ था, एंड इस पे ही मेरे को लग रहा है कि सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो जाएगा दोनों ट्रैक्स पे। एंड अभी बेस रोली के इस वाले आउटर पे थोड़ी दूर तक फाउंडेशन नहीं है, एंड उसके बाद फाउंडेशन एक बार वापस स्टार्ट हो जाते हैं। एंड बेस रोली के बाद फिर से जो है यहाँ पे पोल्स लगाना स्टार्ट हो चुका है। एंड अभी यह गाचीपुरा से कुछ दूर पहले जो है पोल्स को अभी सेट नहीं किया गया है फाउंडेशन में, केवल उनको फाउंडेशन में डाल के छोड़ रखा है। एंड अभी यहाँ पोल्स खत्म हो चुके हैं लेकिन नीचे जो है फाउंडेशन अभी भी बने हुए हैं। तो अभी हम लोग अराइवल ले रहे हैं गाचीपुरा पे, और यहाँ पे जो है आउटर प्लस प्लेटफॉर्म्स दोनों पे ही फाउंडेशन जो है बने हुए हैं, एंड गाचीपुरा के आउटर तक जो है पोल्स भी आ चुके हैं। अब गाचीपुरा के निकलते ही फिर एक बार जो है पोल्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो हाँ कह सकते हैं कि जो मकराना डेगाना वाला सेक्शन है उस पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है, मतलब चल रहा है सबसे ज़्यादा काम, पोल्स सबसे ज़्यादा इसी सेक्शन पर लग चुके हैं, एंड इसी सेक्शन की जो नई वाली लाइन है उस पर भी फाउंडेशन बनाने का काम जो है ज़ोरों शोरों पर चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले वही बात बताई कि मकराना डेगाना के बीच का इलेक्ट्रिफिकेशन सबसे पहले किया जाएगा। तो अभी हम लोग अराइवल ले रहे हैं डेगाना जंक्शन पे, एंड डेगाना के आउटर पे अभी तो मेरे को फ़िलहाल कोई भी फाउंडेशन का काम दिखाई नहीं दे रहा है, एंड साथ ही जो डेगाना का प्लेटफॉर्म है जो आप आगे देखोगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे शायद हम अराइवल ले रहे हैं, इस पे भी अभी जो है फाउंडेशन से रिलेटेड इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं हुआ है, एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स का पता नहीं लेकिन अभी तक ये वाला जो मेन प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म नंबर 1 इस पे अभी भी कोई काम नहीं किया गया है, एंड बाकी जो उस साइड वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी प्लेटफॉर्म की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट अगली वाली अपडेट में मिलेगी जब हम नई वाली ट्रैक की भी साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट मिलेंगे। आई होप कि अगली बार जब भी मैं इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट दूँ तो नई वाली ट्रैक पे भी इस सेक्शन पे पोल्स लग जाएँ। तो चलिए यहीं पे विदा लेता हूँ आपसे इस वाले पार्ट में, अगले पार्ट में हम आपसे
मिलते हैं डेगाना जंक्शन से चालू करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना ज़रूर, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, 4000 सब्सक्राइबर तक जल्दी पहुंचना है। एंड बस वेट करना अगली इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट का, और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहेगी।